बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की हुई थी और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक टाइप के, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दूसरी टाइप, अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक ये एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 5x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं दोनों हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 2। अब हम क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 22, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 29, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मैं y के कोफिशिएंट क्या करूंगा, सेम करूंगा। अगर मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं x के कोफिशिएंट क्या करूंगा, सेम करूंगा। तो इसमें से मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मैं y के कोफिशिएंट क्या करूंगा, y की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो x के कोफिशिएंट मैं क्या करूंगा, सेम करूंगा। इसमें देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखिए x के साथ कोफिशिएंट कौन सा है 1, और इसमें देखें x के साथ कोफिशिएंट कौन सा है 5। तो मुझे यहाँ x के साथ कौन सा कोफिशिएंट चाहिए, 5। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 5x का स्क्वायर, 5 टू द 10y का स्क्वायर, और 5 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 110। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट देखो सेम आ गए, लेकिन ये सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, इक्वेशन 3 को 2 में से माइनस करेंगे, 5x का स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर इज इक्वल टू 110। इक्वेशन नंबर 2 क्या, 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे, चेंज, प्लस का माइनस का कैंसिल, 10 में से बन के 9y का स्क्वायर, और 110 में से 29 के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 81। बोथ साइड पे किस पे डिवाइड करेंगे, 9 पे, 9 9 81, स्क्वायर रूट लेंगे तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, या अब हमारी अपनी मर्जी है, या 1 में y की वैल्यू पुट करें या हम 2 में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट y is equal to 3 in equation 1, in equation 1, x का square plus 2, y की जगह पे क्या put करेंगे, 3 का square is equal to 22, x square 3 का square क्या है, 9, 22, 9 to the 18, x का square 22 minus 18, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 22 में से 18 के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो x हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 3। अगर आप y की जगह पे माइनस 3 पुट करेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, तो ये सॉल्यूशन सेट इसका हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 is equal to 6, 3x square plus y square is equal to 14,
फोर एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे। थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टीन, इसको हम इक्वेशन नंबर टू का नाम देते। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेवन किया था वैसे हम क्वेश्चन नंबर एट भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करने तो y की कोफिशिएंट क्या करेंगे सेम, अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करने तो x की कोफिशिएंट हम क्या करेंगे सेम करेंगे। इसमें मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन में देखें y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है फाइव, इक्वेशन नंबर टू में देखें y के साथ कोफिशिएंट कौन सा है वन। तो मतलब इक्वेशन नंबर टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि इसके कोफिशिएंट क्या हो सके सेम हो सके। अब आप लिखे मल्टीप्लाई फाइव, मल्टीप्लाई फाइव बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव थ्री दा फिफ्टीन, एक्स का स्क्वायर फाइव वाई का स्क्वायर, फाइव को फोर्टीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सेवनटीन। इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री का नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को ऐड कर लेते हैं, एडिंग वन एंड थ्री, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन वन क्या फोर एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, फिफ्टीन एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सेवनटीन, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 4 9x का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 76, बोथ साइड पे 19 पे डिवाइड करेंगे, 19 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे या इसको इक्वेशन नंबर वन में या फिर इक्वेशन नंबर टू में x की वैल्यू पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में पुट कर सकते हैं आप, फोर x की जगह पे क्या पुट करेंगे टू, टू का स्क्वायर माइनस फाइव y का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, फोर टू का स्क्वायर क्या आएगा फोर, फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, फोर फोर का सिक्सटीन, फाइव वाई का स्क्वायर सिक्स माइनस टेन, सिक्स माइनस सिक्सटीन माइनस टेन, माइनस फाइव पे डिवाइड कर लें, वाई स्क्वायर किससे इक्वल आ जाएगा टू के स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस टू और प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर एट। तो जो क्वेश्चन नंबर नाइन है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, आप लोगों ने खुद करना है क्वेश्चन नंबर नाइन इसका। अब क्वेश्चन नंबर टेन और इलेवन, क्वेश्चन नंबर टेन और इलेवन सेम टाइप है दोनों की, मैं क्वेश्चन नंबर टेन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोगों ने खुद करना है। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया सेवन और एट बिल्कुल इसी तरीके से है और क्वेश्चन नंबर टेन है, क्वेश्चन नंबर टेन एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, इज इक्वल टू थ्री, और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम देता हूं, टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू का नाम देता हूं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन नंबर टू में से या तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इक्वेशन नंबर टू में से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, y को पहले x को मैं बाद में लिख लेता हूं, माइनस फाइव वाई का स्क्वायर
प्लस फोर एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। माइनस है तो मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये साइन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव वाई का स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फोर एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स आप देख लें, फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करना चाहे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है क्योंकि हमने वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, वाई की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इसमें एक्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट यूज करेंगे। अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखूंगा। तो मैं यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो इसमें से जो एक्स होगा ये मेरे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट, एज अ कॉन्स्टेंट यूज होगा। तो मल्टीप्लाई करें तो कहना चाहिए यहाँ एक्स स्क्वायर है इसके साथ क्या वन, मल्टीप्लाई करें तो कहना चाहिए फाइव, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए फोर। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब ए की जगह पे क्या आएगा फाइव, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस फोर एक्स, क्योंकि एक्स जो है हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है इसमें, क्योंकि मैं वाई के लिहाज से इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं। और सी मेरे पास क्या होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास सी की वैल्यू है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए वाई, क्योंकि मैंने वाई के लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वाई, और बी किसके इक्वल है माइनस फोर एक्स प्लस माइनस बी की जगह पे माइनस फोर एक्स का स्क्वायर, फोर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे फाइव, और सी की जगह पे माइनस एक्स का स्क्वायर 2a की जगह पे क्या आएगा 5, 4x प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4 5 का 20, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 का 10। अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस 20 प्लस 16 कितना 36, x का स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर 10, 4x प्लस माइनस 6 x आएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और x के स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 6x ओवर 10। अब क्या करेंगे 4x प्लस 6x ओवर 10 एक दफा प्लस में, 4x माइनस 6 ओवर 10 एक दफा माइनस में, क्या आया 10x ओवर 10, 4 में से 6 के माइनस 2x ओवर 10, y 10 10 से कैंसिल, y इज इक्वल टू x, ये 2 वन द 2 टू 5 द 10 माइनस x ओवर 5, y किसके इक्वल आ गया x के, और y किसके इक्वल आ गया माइनस x ओवर 5 के इक्वल आ गया। इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, ये 2 था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूँ, y इक्वल टू माइनस x ओवर 5 इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब हम क्या करेंगे इन इक्वेशन 3 और 4 को, अब आप या इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में ये y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, मैं इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करूंगा, जहां y होगा वहां पहले मैं पुट कर लेता हूं x को, पुट y is equal to x इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं y की जगह पे x लिखूंगा, x square plus 2 क्या आएगा x का square is equal to 3, x का square plus 2 x का square is equal to 3, तो हमारे पास क्या आएगा 3x का square is equal to 3, 3 में डिवाइड करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे x हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो अब क्या करेंगे x की वैल्यू आई, हमने y की जगह पे क्या पुट किया था x, तो x का आंसर मेरे पास क्या आया था प्लस माइनस 1। अब हम क्या करेंगे यही प्लस माइनस 1 को मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे पुट
y x x is equal to plus minus 1 equation in equation 3. तो y मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1, मतलब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में. तो क्या x प्लस माइनस 1 और y भी प्लस माइनस 1 आ गया. अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस x ओवर 5 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. और y is equal to minus x over 5 in equation number 1. Equation number 1 में जहां y होगा वहां हम क्या पुट करेंगे, y over x, x over 5. x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस x over 5 का स्क्वायर is equal to 3. x का स्क्वायर प्लस 2, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, is equal to 3. अब अगर हम इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये 25x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75, ये 27x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 75. अब क्या करेंगे, 20 हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 27 पे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर 75 ओवर 27, कट होता है, ये क्या आएगा, 3 2 6, 3 5 15, 3 9 27, एक्स के किसके इक्वल आ जाएगा, 25 ओवर 9. तो आपने क्या करना, इसका स्क्वायर रूट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर 3. अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 5 ओवर 3. अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 में x की वैल्यू आपने पुट करने में, पहले हम क्या पुट करेंगे, 5 ओवर 3, फिर हम क्या पुट करेंगे, माइनस 5 ओवर 3 पुट करेंगे. और x इज इक्वल टू 5 ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, y इज इक्वल टू ये माइनस 1 ओवर 5 फिलहाल, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 ओवर 3. 5 से 5 कैंसिल, y का आंसर क्या आएगा, माइनस 1 ओवर 3. फिर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 5 ओवर 3, क्योंकि x का आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 1. x की जगह पे मैंने क्या पुट किया था, माइनस x ओवर 5 पुट किया था y की जगह पे, तो x का आंसर आया था प्लस माइनस 5 ओवर 3. अब इसी x की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, y का आंसर भी आ जाएगा मेरे पास. अब माइनस 5 ओवर 3 पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, y is equal to minus 5 over 1 over 5 minus 5 over 3, ये 5 5 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, minus minus plus 1 over 3. तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x क्या आया था हमारे पास, plus minus 5 over 3, तो y का आंसर मेरे पास क्या आया, plus minus 1 over 3. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आप लोगों ने खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से है. तो लास्ट इसके दो क्वेश्चन रहते हैं 12 और 13, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज. तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़.